घर का सिराना दक्षिण की ओर होना चाहिए अथवा तो पूर्व की ओर। अगर पश्चिम के तरफ से एसी का हवा आती है तो आप तुरंत एसी निकलवा दो, नहीं तो आपके शरीर का स्वास्थ्य नहीं रहेगा ठीक। जो दिन को खाना खाकर गहरी नींद करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग बीमारी का शिकार बन जाएंगे। कई मोटी मोटी माइयाँ, कई मोटे मोटे लोग, मैं बोल देता हूँ तुम दिन को सोते हो। बोले बाबा ठीक ही नहीं होते। मैं कहा तुम दिन को सोते हो, दुनिया के सारे डॉक्टर तुमको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि दिन को सोओगे तो जो रस बनेगा वो रोगों के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। हाँ, रात को उजागरा किया है, रात पाली है तो 6 घंटा जगे हो तो दिन को 3 घंटे सो, इतना हो सकता है। भोजन किया है 5-7 मिनट आप 2 मिनट सीधे, 2 मिनट आड़े, 2 मिनट और आड़े, ऐसे 7-8 मिनट में आप फिर उठ जाइए, नहीं तो नींद किया तो आपकी खैर नहीं। रात को दही खाने से बुद्धि कमजोर होती है, अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि कमजोर होती है, अमावस्या, पूनम, एकादशी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, उन दिनों में पति पत्नी का समागम करने से बुद्धि और बालक निस्तेज हो जाएंगे और आपकी तबीयत भी गड़बड़ा जाएगी। अपने को बचाइए। अगर बालक का जन्म उन तिथियों में आप नहीं करते तो आपकी आयु, आपका आरोग्य और आपकी बुद्धि तीनों को हानि होती है। इसलिए हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में आप संसार व्यवहार से बचिए। हो सके तो पति पत्नी का कमरा अलग, नहीं तो पलंग अलग हो तो लंबा आयुष्य रहेगा। शास्त्र में लिखा है कि शयन काले ललाट पे तिलक हो, मुंह में पान हो अथवा बिस्तर पर पत्नी या पति हो तो उनसे आप अलग हो जाइए। अगर लंबा जी ना हो तो, जल्दी मरना हो तो एक ही पलंग पर पड़े रहिए। जल्दी बुढ़ा होना हो तो एक ही पलंग पे पड़े रहे। बोले हमारा प्यार है ना, उसको मेरे बिना नहीं चलती, मेरे को उसके बिना नहीं चलती, ये प्यार नहीं मोह है। प्यार तो है हृदय का होता है, चिपकना का नाम प्यार नहीं। जो लोग ज़्यादा चिपकते वो ज़्यादा झगड़ते। क्या मैं मेरे बेटे की माँ को प्यार नहीं करता होऊंगा क्या, और मेरे बेटे की माँ मेरे को प्यार नहीं करती होगी क्या, जयराम जी की? लेकिन उसको कसम डाल के बोलो, पूछो कि 42 साल हो गए शादी के हुए, 42 घंटे तुम बापू के बिस्तर पर रही हो क्या, तुझे अपने बेटे की कसम है? मेरे से कोई भाई कसम डाल के पूछे तो क्या हम एक दूसरे का मंगल नहीं चाहते? हम जितना प्यार मोहब्बत करते वैसा तो आपने देखी भी नहीं होगी भाईजान। लेकिन शरीर को चिपकना और कमर तोड़ कार्यक्रम करना, इसी को प्यार बोलते? ये तो मोह है। पत्नी की तंदुरुस्ती नाश करना, पति की तंदुरुस्ती नाश करना प्यार है? प्यार नहीं है, ये तो लव और लवरियों का प्यार है। तुम तो श्री राम ने प्यार किया था सीता जी को, हाँ सीता जी प्यार करती थी राम जी को, हाँ। एक बार राम जी ने देखा किसी पेड़ पर वेला चढ़ा है, बेल, पुष्पों की बेल। राम जी कहते हैं कि ये पेड़ कितना भाग्यशाली है सीता, और पेड़ तो ऐसे ठूंठ जैसे लग रहे हैं, इस पर वेल चढ़ी है तो वेल के सहारे पेड़ कैसा चमक रहा है, पेड़ बहुत भाग्यशाली है। सीता जी समझ गई, सीता जी कहते हैं नाथ मुझे तो दूसरा ही कुछ दिखता है, ये बेल कितनी भाग्यशाली के पेड़ का सहारा मिला है उसे। आप अमानी हो रही है सीता जी और राम जी को मान दे रहे हैं, और राम जी आप अमानी हो रहे हैं और सीता जी को मान दे रहे हैं। राम जी कहते हैं नहीं नहीं सीते, पेड़ तो बहुत है लेकिन बेला बेल जिसको मिली है वो पेड़ ही तो चमक रहा है। बोले बेले तो बहुत पड़ी है धरती पर, जिसको पेड़ का सहारा मिला है वही तो चमक दिखा रही है प्रभु। अब राम जी कहते हैं कि वेल भाग्यशाली है, और सीता जी कहती नहीं पेड़ भाग्यशाली है, अर्थात आप, आपकी कृपा से मैं चमकती हूँ। और राम जी कहते नहीं तुम्हारे होने से मैं सब हो रहा। दोनों का मधुर कलह चल पड़ा, दोनों अपने अपने पे अड़ गए। इतने में लक्ष्मण भैया कंदमूल लेकर आए, लखन भैया हमारा झगड़ा निपटाओ, आप न्याय करो, ये पेड़ बेल कितनी भाग्यशाली है, पेड़ का सहारा मिला है ना भैया।
राम जी कहते भैया दोनों पक्ष को सुनिएगा, ये पेड़ कितना भागशाली है कि बेल के कारण चमक रहा है, बेल तो और भी है। लक्ष्मण कहते समझ गए वो तो, बोले मुझे तो कुछ और ही दिखता है। बोले क्या दिखता है? बोले न पेड़ भागशाली है न बेल भागशाली है, भागशाली तो लाला लखन है कि दोनों की छाया में बैठने का, जीने का और सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये है प्यार, ये है स्नेह। कैसी है भारतीय संस्कृति? राम जी बोलते तो आप अमानी दूसरे को मान देते, और बोलते तो मानो मधु टपक रहा है। सार गर्भित बोलते हैं, प्रसंगो उचित बोलते, तो आप भी थोड़ा ऐसा करिए ना। आप अमानी रहिए, दूसरे को मान दीजिए। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इतना बोलने से हमारा बिगड़ा क्या, और आपका हृदय गदगद होने में मेरे को लाभ ही लाभ है ना।